जातियों का एक तिलिस्म नजर आता है घोसी में, और अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो वो तो लगातार पीडीए की बात कर रहा है। आपको लगता है कि उस तिलिस्म को तोड़ पाएंगे आप? देखिए, वो पीडीए की बात कर रहे हैं, असली जातिवादी स्थिति तो वही पैदा कर रहे हैं। यहाँ जनता जाति की बात नहीं करी, यहाँ जाति है कि जाति नहीं है। ये जो पीडीए का नारा देने वाले लोग हैं, पहले तो खुद अपने आप को कन्फर्म कर लें कि पीडीए का मतलब क्या होता है। वो कभी कहते हैं कि पीडीए मतलब कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, बनारस जाके स्टेटमेंट देते हैं कि पिछड़ा दलित अगड़ा। जब आप जैसे पत्रकार उनसे प्रश्न करते हैं कि पहले आप कन्फर्म हो जाइए कि आप किसके साथ चलना चाहते हैं। आज बड़े पैमाने पर इस घोसी लोकसभा में मुस्लिम समुदाय के लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार हैं। मतदान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार की 158 योजनाओं का लाभ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने लेने का कार्य किया है। शायद इसी की देन है कि वो माननीय मोदी जी को हाथों हाथ लेने का काम कर रहे हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि अब हम पीडीए के झांसे में नहीं आने वाले हैं, अखिलेश यादव जी के झांसे में नहीं आएंगे। हमारा जो विकास करेगा, हमारा जो काम करेगा, हमारी रक्षा सुरक्षा जो करेगा, शांति अमन चैन जो स्थापित करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। शायद यही परिणाम है कि इस बार घोसी लोकसभा का परिणाम दूसरा आएगा और यहाँ पर भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, एनडीए प्रत्याशी जीत करके प्रचंड वोटों से दिल्ली के पंचायत में जाए। लोग बूढ़े घोड़े पर सवारी नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यंगेस्ट व्यक्ति है तो इस पे सवारी किया जाए। लोगों को विश्वास हो गया है कि जो 15 साल में नहीं हो पाया है इस क्षेत्र का विकास, वो आने वाले 5 साल में डॉक्टर अरविंद राजभर करके दिखाएगा। हमने देखा कि अभी आप जब भाषण दे रहे थे तो छड़ी हाथ में लिए हुए थे और बार बार महिलाओं से अपील कर रहे थे कि छड़ी को पहचानिए आप, तो क्या जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है क्या? नहीं नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अरे भाई, कन्फ्यूजन कहाँ रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन का कोई सोल्यूशन नहीं होता है ना, उसको बैठ के ही बात की जा सकती है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये छड़ी एक सहारा है और वो दादी थी। हम देखे कि वो लाठी लेकर के चल रही थी, जबकि मूलतः होता है जो वरिष्ठ हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, उसको चलने के लिए छड़ी का ही सहारा दिया था। मैंने उनको सहारा दिया है और सबको पता है कि आने वाले 1 तारीख को हम सभी लोगों को मिलकर के छड़ी का बटन दबाना है। बस उसी चीज़ को मैं बार बार याद दिला रहा था कि क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, कैंपेन का समय चल रहा है, तो सबको याद दिलाने नितांत आवश्यक है। इसलिए मैं बार बार याद दिला रहा था कि छड़ी का निशान यहाँ पर अपना है। धन्यवाद आपका। तो देखिए, अरविंद राजभर युवा प्रत्याशी हैं और इनका दावा है कि इस बार जो जातीय संरचना है वो पीछे छूट जाएगी यहाँ पर और लोग विकास के मुद्दे पर यहाँ पर वोट करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, दोहरी घाट, घोसी।